साल भर हनुमान जयंती को लेकर लोगों के मन में काफी उत्सुकता रहती है। सनातन धर्म से जुड़े लोग साल भर हनुमान जयंती आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और हनुमान जयंती पर बजरंगबली को लाल फूलों की माला, सिंदूर, चोला चढ़ाकर पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि इस कलयुग में बजरंगबली हनुमान प्रत्यक्ष देवता हैं जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बजरंगबली हनुमान का जन्म चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र में हुआ था। वे भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हैं जिन्होंने भगवान राम की भक्ति के लिए जन्म लिया था। इस कलयुग में केवल बजरंगबली वीर हनुमान ही एक प्रत्यक्ष देवता हैं जो अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। साथ ही साथ इस साल हनुमान जयंती पर सभी राशियों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के जानकार शक्तिधर शास्त्री बताते हैं कि सभी राशियों के द्वारा बजरंगबली वीर हनुमान की पूजा पाठ करने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और उनकी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। हनुमान जयंती पर बजरंगबली हनुमान को लाल फूलों की माला, चोला, सिंदूर आदि चढ़ाने से सभी राशियों की किस्मत खुलेगी और जिन राशियों पर शनि की महादशा या जिनके नक्षत्र खराब चल रहे हैं उनको भी काफी लाभ मिलने वाला है। यानी ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि बजरंगबली वीर हनुमान जयंती पर इस साल सभी राशियों की किस्मत खुलेगी। सभी को बजरंगबली हनुमान का स्मरण, हनुमान चालीसा और उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। और क्या कुछ कहते हैं शक्तिधर शास्त्री, ये भी सुनिए। हनुमान जयंती प्रतिवर्ष पूर्णिमा तिथि अर्थात जैसे ही नव संवत्सर शुरू होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती आयोजित की जाती है। कथाओं के और पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जो जन्म है वो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हुआ था। उस दिन चित्रा नक्षत्र था, दिन मंगलवार था। ठीक 6 दिन पहले जो तिथि आती है रामनवमी, उस दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ। उसके ठीक 6 दिन बाद जो तिथि आ रही है वो हनुमान जी की है पूर्णिमा। और इस वर्ष भी प्रातःकाल उदया तिथि के समय चित्रा नक्षत्र नहीं है, हस्त नक्षत्र है, लेकिन दोपहर के समय जब हनुमान जी का जन्म हुआ है लगभग 12 बजे के पश्चात चित्रा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा अगले दिन तक। इसलिए ये हनुमान जयंती इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष सिद्धि योग पड़ रहा है। पूर्णिमा गुरु पूर्णा, गुरुवार और पूर्णिमा तिथि चित्रा नक्षत्र भी है और अच्छे संयोग ग्रह नक्षत्र व्यतिपात योग जो हनुमान जी की उपासना कलयुग में सुंदरकांड करता है। सुंदर शब्द इसलिए आया है क्योंकि ये जीवन को ही सुंदर बना देता है। सुंदरकांड हनुमान जी की उपासना करना और ख़ास तौर से उनके जन्म दिवस पर वो ठीक ऐसे है जैसे कि सोने में सुहागा। और साथ ही साथ हनुमान जी रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि और कीर्ति वैभव धन राज्य लक्ष्मी सब कुछ प्रदान करते हैं क्योंकि जो भी हनुमान जी से मिला है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, सुग्रीव का राजा बनाया, तुमरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण ने भी मान लिया, लंकेश्वर भय सब जग जाना, वो भी राजा बन गया। इसलिए अगर किसी को संसार में राजा बनना है तो नीति रीति और प्रीति के साथ भगवान की उपासना के साथ साथ हनुमान जी की आराधना सच्चे मन से करें, निर्मल भाव से करें, मन में कोई स्वार्थ ना रखें तो हनुमान जी उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस साल हनुमान जयंती पर सभी राशियों की किस्मत खुलने वाली है। उनके द्वारा बजरंगबली वीर हनुमान की पूजा पाठ करने, हनुमान चालीसा का जाप करने से उन्हें काफी लाभ मिलने वाला है। ओम प्रयास, न्यूज 18, हरिद्वार।